हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि है आपकी इंडियन नेवी की तरफ से, जिसमें आपको MR की जो है वैकेंसी यहां पर निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंडियन नेवी जो है हर बार हर साल जो है आपकी वैकेंसी निकालती है MR की, जिसमें आपको कुक की, स्टूवर्ड की, हाइजीनिस्ट की पोस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें कुल जो है 300 पद निकाले गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, पूरी जो है डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होता है, क्या फिजिकल 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 एफिशिएंसी में क्या क्या कराया जाता है, पेपर में क्या क्या आता है, सब कुछ जानेंगे। कितनी क्या योग्यता रखी गई है, ये सब तो आपको दिख रही है, साथ ही मैं बताने वाला हूँ भी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी खबर के लिए। चलिए आपको दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 29 अक्टूबर यानी कि 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और आपके जो कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, तो 2 नवंबर तक आपके जो है फॉर्म भरे जाने हैं। आप जल्दी आइए और इसका फॉर्म भर लीजिए, और फोटो आप जो है नए फोटो खिंचवाइएगा। ठीक है, उसकी एग्ज़ाम डेट इन्होंने अभी बताई नहीं है, जल्दी ही पर जारी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अप्रैल में आपके ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए डेट दे दी है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं हम फीस देख लेते हैं। फीस तो फीस जो है किसी भी कैटेगरी के लिए जो है 0 फीस रखी गई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टोटल जो पद निकाले गए हैं वो 300 पदों के ऊपर जो है ये भर्ती की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी निकाली गई हैं। तो शेफ की पोस्ट है, ठीक है, यानी कि कुक जो होता है उसकी, स्टूवर्ड की, ठीक है, और हाइजीनिस्ट की पोस्ट। इसमें आपको जो है जो आपकी योग्यता मांगी गई है वो केवल केवल 10th मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। आपकी जो एज की गणना की जाएगी वो इस माध्यम से की जाएगी, यानी कि आपका जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एज आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि आपकी फिजिकल जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या कराया जाता है। तो देखिए, आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपको जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग कराई जाएगी 7 मिनट में। ठीक है, इसके बाद 20 उठक बैठक लगाई जाएंगी आपसे, और आपको सीना फुलाना होगा कितना, 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको फुलाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड ये तो हो गया हमारे, क्या इसकी जो पूरी डिटेल थी मैंने बता दी। चलिए अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ आपको, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से रहता है। ठीक है, जो तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिस है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाता हूँ जूम करके मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी मैंने सारी डिटेल बता दी आपको, बस मैं आपको जो एग्ज़ाम है प्रोसेस वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं फिर भी पढ़ के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका देखिए रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 1500 कैंडिडेट्स बिल्कुल, यानी कि 300 वैकेंसी है, तो 5 गुना जो है बच्चे आपके बुलाए जाएंगे 1500 किसके लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। और जो बच्चे पेपर में को पेपर पास कर लेंगे, सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर पास करने के बाद जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो पेपर में क्या आएगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा, चाहे आपको हिंदी में देना है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, इसके बाद पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे, पहला सेक्शन रहेगा साइंस और मैथ का, और दूसरा रहेगा जनरल नॉलेज का। ठीक है, और इसके लिए जो है आपको 10वीं यानी कि 10वीं के आधार पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, 10वीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इसको आपके लिए 30 मिनट जो है आपको इस पेपर के लिए दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उसको आपको फिर फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुई है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी एक मेरिट बनेगी जिसके आधार पर आपको आपको मतलब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैंने बता दी। ठीक है, कि आपको योग्यता क्या क्या है, उम्र सीमा क्या है। आवेदन 29 से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 2 नवंबर है, तो जल्दी जाइए इसको फॉर्म फिल कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।